हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में कि हाइड्रोसील क्या होता है। आपको भी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, काफी सालों से है और आप बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसील पुरुषों में होने वाली बीमारी होती है। हाइड्रोसील पेनिस के पीछे साइड स्कॉटम रहता है, जिसे हम अंडकोश बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए, पानी भरने लगता है। जैसे पानी भरता है तो अंडकोश जो रहते हैं, टेस्टिस जो रहती है, दोनों लटकने लगती है। इससे हम बोलते हैं हाइड्रोसील। आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। जब भी आपका हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है तो आपके स्कॉटम में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है। आपके स्क्रॉटम में सूजन आ जाती है, सूजन के साथ रेडनेस आ जाती है, रेडनेस के साथ आपको दर्द लगातार बना रहता है। जब भी आपके अंडकोश में सूजन होती है तो आप बैठते हैं तो डिस्कम्फर्ट फील होता है, खड़े होते हैं तो डिस्कम्फर्ट फील होता है, चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम करते हैं तो हमेशा आपका मन आपके स्क्रॉटम में जाता है, अंडकोश में जाता है कि मुझे ये दर्द हो रहा है। जब भी आपके स्क्रॉटम में सूजन आती है, अंडकोश में सूजन आती है, अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो ये अंडकोश की सूजन धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है चलने में, बैठने में, उठने में। कई बार ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा दर्द के कारण आपको फीवर भी आ जाता है, बुखार आ जाती है। बुखार के कारण आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, थकान लगने लगती है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स आपको बार बार रिपीट होते हैं। जब भी स्क्रॉटम में सूजन होती है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, अगर आप लेटते भी हैं तो भी आपको दर्द होता है। अगर ये स्क्रॉटम की सूजन, अंडकोश की सूजन धीरे धीरे बढ़ते जाए, ज़्यादा पानी इकट्ठा होता जाए अगर आपके अंडकोश में, तो अंडकोश की सूजन को ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। इस ड्रॉप को लेके आप परमानेंट तरीके से अंडकोश की सूजन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप बता देती हूँ कौन सा ड्रॉप आपको यूज करना है। इस ड्रॉप का नाम है हाइड्रोसेलर ड्रॉप, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है, ये रेडिएंट कंपनी का है। इस ड्रॉप में फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, ऑरम मेटालिकम मिली हुई है, जो नेक्स्ट मिली हुई है रोडोडेंड्रॉन मिली हुई है, जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है कॉन्डियम मैक मिली हुई है, होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है पल्सेटिल्ला मिली हुई है, जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है अर्निका मोंटाना मिली हुई है। इन सारी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस ड्रॉप को तैयार किया गया है, तो बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है ये। जब भी आपके स्कॉटम में, अंडकोश में सूजन आती है तो कई बार ऐसा रहता है सूजन के कारण आपके अंडकोश की मसल्स में भी दर्द होने लगता है, नर्व में भी प्रॉब्लम होने लगती है, साथ में आपकी जो वेन्स होती हैं उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है, साथ में कड़ापन भी होने लगता है, तो उस कड़ापन को ठीक करेगा। तो ये ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव है, इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रॉप का आपको 3 टाइम लगातार इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। पानी गर्म कर लीजिएगा, जब हल्का पानी ठंडा हो जाए तो आधा कप पानी में इस ड्रॉप का 20 ड्रॉप डालिएगा और मिक्स करके पी लीजिएगा। ये ड्रॉप आपको मिल जाएगा होम्योपैथी फार्मेसी में, नहीं तो आप इस ड्रॉप को ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, इसे बिल्कुल इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रॉप का आपको कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, होम्योपैथिक ड्रॉप है ये। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।